पूछते हैं तो ये पहले ये समझ ले कि बड़ा इसका फ्लोट बहुत कम है, 80-82% तो सरकार के पास ही है और इसका फ्री फ्लोट बहुत कम है। और अब मेरा थॉट तो यही रहेगा इनके लिए कि भाई अगर 6 महीने का होराइजन है तो फिर तो उछालों में निकलें, क्योंकि अपने जमा ये ऑलरेडी एक डार्लिंग स्टॉक रहा है। इनको ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक 25 रुपए से चला है, इनफैक्ट उसके नीचे से चला है, बट तकरीबन 25-30 रुपए से स्टॉक चला हुआ है, 4-5 गुना हुआ था ऊपर में, और हाई भी बहुत दूर है अभी इसका, इस साल का तो 170 का हाई मार के भी आया है, तो उनको लगा होगा शायद करेक्शन हो रहा है, मैं ले लूं, बट ये एक धोखा रहता है कई बार। ये डार्लिंग स्टॉक है, इसमें ऊपर के भाव से हर जगह से लोग फंसे हुए हैं, इसमें ऊपर से सेलिंग आती रहेगी, और इसमें जो बेरिज गैप इसने जो बनाया है, जो इसका एक बेरिज गैप बना था 140 के आसपास आई थिंक, वो इसके लिए जो है बड़ा क्रिटिकल है, और जब तक वो गैप नहीं भरता तब तक 136 वाला गैप नहीं भरता, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें नई तेजी आएगी, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें।